हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर एक बार आ गया हूँ औरंगाबाद देव मंदिर। सूर्य काफ़ी फेमस टेंपल है बिहार का। यहाँ लोग दूर दूर से छठ पूजा करने आते हैं और दर्शन करने आते हैं। भीड़ ज़्यादा नहीं है अभी, तो चलते हैं अंदर। द्वार थोड़ा छोटा है, झुक कर जाना पड़ेगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है। काफ़ी पुराना मंदिर है, ये प्रचलित मंदिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार कहा गया था कि एक चोर ने चोरी करने की कोशिश की और देखिए वो पत्थर बनकर सट गया है। वो रेड कलर का झंडा जो लोकेट हो रहा है जस्ट उसी के नीचे। काफ़ी पुराना मंदिर है, ये मंदिर खुद से प्रकट हुआ था। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय बोलो, नाम बोलो अपना अपना। मैं अमन। मैं रोशन। अच्छा, चलिए आप ये सब इधर ही के निवासी हैं। ये पुराना पुराना शिला है, तो चलिए अंदर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं। फोन का अंदर अलाउंस नहीं है, तो बाहर से ही हम लोग देखेंगे। आप और वो जो किला देख रहा है वो महारानी का किला है, अब बंद हो पड़ गया है। ये किस चीज का एंट्रेंस है भाई? निकलने का। अच्छा, निकास द्वार है। ये निकास द्वार है, ये सीढ़ी जो है वो है एंट्रेंस, प्रवेश द्वार वहां से। वो जो सीढ़ी दिख रहा है ना वहां से। भीड़ नहीं है, मंदिर पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, भीड़ एकदम नहीं है। ये देखिए मन है। भीड़ आज एकदम नहीं है। नहीं, शाम का समय। अच्छा, इवनिंग के वजह से भीड़ नहीं है। ये क्या है भाई? शरणामृत स्थान है यहाँ का। चोर तो वही उस साइड था ना, बता चुके हैं हम, बता चुके हैं। तो क्या वो चोरी करने का? सोना का कलश ऊपर, ऊपर सोना का कलश, उसको चोरी करने का। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो बता चुके हैं ऑलरेडी, वही तुम लोग से बस कंफर्म हो रहे थे। ये खुद प्रकट हुआ था ना? जी, एक खुद आधा बन के तैयार हो चुका था, एक ही थी। क्या तो कहावत निकला था कि कौवा बोल दिया था तो रुक गया था, ऐसा कुछ है। कोई कहावत है बहुत सारा। ये औरंगाबाद एक ही तरह का तीन मंदिर है। अच्छा, जिसकी बहुत खास बात है। चलते हैं बाबा के पास। ये मंदिर खुद प्रकट हुआ था बाबा? ये मंदिर खुद प्रकट हुआ था? हाँ, विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं, प्रगट में है। अच्छा, विश्वकर्मा भगवान, विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं। अच्छा अच्छा, तीन मंदिर बना है। तीन मंदिर? हाँ, यही देवकुंड। देवकुंड कहाँ है? यहाँ से दूर है। और फिर उमगा पहाड़ है। अच्छा, मदनपुर में। मदनपुर वहाँ अधूरा रह गई है, मगर देव और देवकुंड में यह से कार्य पूरा हो गया है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? यहाँ तो हमारा 40-50 बरस हो गया। बाप, मतलब पूरी आयु आप यहीं बिता दिए। हाँ, आगे भी बिताना है है। जी जी, इससे बढ़ के और जगह कहाँ? और कोई कहीं नहीं। जी जी, आप टीका उका लगा लीजिए। हाँ हाँ, एकदम एकदम, दो मिनट दीजिए ना। काफ़ी अच्छा लगा बाबा से बात करके। बाबा का कहना है कि वो पिछले 40-42 साल से यहीं पे हैं, अपनी पूरी आयु यहाँ गुजार दिए। ये क्या हवन कुंड? ये देख सकते हैं कितना बड़ा हवन कुंड है। ह्यूज अमाउंट में यहाँ हवन को जलाया जाता है। गड्ढा क्यों है इतना? ज्यादा होगा उसके लिए। अच्छा,
ये मेन एंट्रेंस है पूरे मंदिर का। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ जाओ भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।